अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एसीसी 501 जीडीपी सॉल्यूशन की। एसीसी 501 ये जीडीपी स्प्रिंग सेमेस्टर का 2021 का है, 2021 जीडीपी बात करते हैं। जीडीपी है जिसमें ये बात की गई, सपोज दैट मिस्टर करीम वांट्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स ऑफ फजल कॉर्पोरेशन। एज एन इन्वेस्टर ही इज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट How quickly Fazal Corporation will grow in future। यानी कि उन्होंने बात की कि इस चीज इन्वेस्टर ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि Fazal Corporation में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितना क्विकली ग्रो करता है। और जब एनालाइज किया उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उन्होंने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट्स 12.5% है, नेट इनकम 750 मिलियन है, टोटल इक्विटी 5000 मिलियन है, रिटेंशन रेशियो 60% है और नेट ग्रोथ रेट 8.1% है। ये जो हमें डाटा दिया गया, अगली बात करते हैं। ये उसने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन ये है, नो एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर करीम, यानी कि आप मिस्टर करीम के एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, ही आस्क यू टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। वो आपसे कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें फजल कॉर्पोरेशन की, एक तो ये हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन उसका ये है, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हिम वाई द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरनल ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले तो हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं और उसका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें चाहिए रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम वापस अपने गिवन डाटा की तरफ आए तो हमारे पास रिटेंशन रेशियो तो मौजूद है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम तरफ चलते हैं तो वो है जी नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम हमारे पास 750 मिलियन और टोटल इक्विटी है 5000 मिलियन। क्योंकि इनके यूनिट सेम है तो इनका मिलियन मेंशन नहीं किया गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी निकलती है 15%। अब देखिए आपके पास रिटेंशन रेशियो भी मौजूद है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी मौजूद है। अब हम इन दोनों को पुट कर देंगे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के फार्मूला में। रिटेंशन रेशियो 60% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9% है। आप देखें कि हमारे पास जो इंटरनल ग्रोथ रेट है वो 8.1% है, जबकि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो हमारे पास आया वो 9% है। ये फिगर भी ये शो कर रही है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ज्यादा है इंटरनल ग्रोथ रेट से। और दूसरा क्वेश्चन भी उसका यही था कि इंटरनल ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हमेशा इंटरनल ग्रोथ रेट से ज्यादा क्यों होता है। इस पर बात करते हैं। इंटरनल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाता है सेल्स और एसेट्स के थ्रू, यानी कि कंपनी की जो सेल में ग्रोथ है, जो एसेट्स में ग्रोथ है, उनके थ्रू इंटरनल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग रिटेन अर्निंग्स। अब ये देखिए, ये तीनों चीजें कंपनी की इंटरनल है, एसेट्स कंपनी के अपने, सेल्स कंपनी कर रही है सालाना बेस पर अपने प्रॉफिट्स में से जो पोर्शन कंपनी रिटेन रख रही है वो भी कंपनी का अपना है। तो बाहर की कोई भी चीज कंपनी ने यूटिलाइज नहीं की, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया इंटरनल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि ये सारा कुछ इंटरनल है तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा बजट्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। So that growth rate is just calculated through internal financing and no need of external financing. लेकिन जब हम बात करते हैं external sustainable growth rate की, तो वो equity और debt के through calculate किया जाता है। आपके सामने अभी मैंने sustainable growth rate को formula में retention ratio और return on equity apply किया। अब return on equity में मैंने equity को utilize किया। तो external financing की वजह से sustainable growth rate जो है उस वो हमेशा ज्यादा आता है, क्योंकि ये financing ज्यादा है उसका रिजल्ट भी हायर आता है। दैट्स व्हाई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज ऑलवेज हायर देन इंटरनल ग्रोथ रेट। जी व्यूअर्स, ये हमारा दोनों चीजें थी। एक तो हमने बात की कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता क्या है और दूसरी चीज कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, और तीसरी चीज हमने ये देखी कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्यों हाई होता है इंटरनल ग्रोथ रेट। ये सारी चीजें जो उसने क्वेश्चन किए थे हमने उनको थारोली डिस्कस किया कि ये किस किस तरह से ये चीजें अप्लाई होती हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।